गया है। कुछ चक्षुदर्शी भी हैं जिन्होंने बताया कि घटना कैसे हुई, किसने करी, तो उसके लिए टीम निकल चुकी है, उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर सुरक्षा के एहतियात से यहाँ पर होमगार्ड की तैनाती की जा रही है। इस इलाके में गश्ती भी होगी। कुछ ड्रग्स और स्मैक लेने वाले बच्चों के नाम भी सामने आए हैं, तो उनका भी जो है हम लोग धरपकड़ कर रहे हैं और इससे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इधर किए जा रहे हैं। बापूजी की मूर्ति, जिन्होंने भी विडंबना की है मूर्ति के साथ, तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे भी। कुछ लोगों को चिन्हित भी किया है और टीम भी पुलिस विभाग की गई है वहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि काम यहाँ पे CSR एक्टिविटी के तहत जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कर रहा था, तो एजेंसी से और जो कॉरपोरेशन है उनसे भी हम पूछताछ करेंगे कि प्रॉपर सुरक्षा और ये, क्योंकि हैंड ओवर अभी तक नहीं हुआ है, तो वो रहनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं रही है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश जिस व्यक्ति ने दिया है, उस व्यक्ति, और ये बापूजी की धरती है, अहिंसा की धरती है, तो उनकी गरिमा को बचाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है और उसके लिए हम तत्पर भी रहेंगे। CCTV और अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ पे रहेंगे। एक चीज़ हम सभी लोगों को जाननी चाहिए कि व्यक्ति जो है उनके विचारों में बसते हैं, मूर्ति की विडंबना करने से या अन्य कोई मार्ग से जो है उसके विचार या उसके जो संस्कार है, जो संदेश है, वो कम नहीं होता है। पुनः जो है जिला प्रशासन जो है बापू जी की गरिमा में जो वहाँ पे मूर्ति थी उसकी प्रतिष्ठापना करेगा जैसी थी, और जो है शांति का संदेश जो इस चंपारण में है पुनः दिया जाएगा। लेकिन पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है और शीघ्रातिशीघ्र हम उनको और सामाजिक तत्वों को पकड़ दी जाएगी। बाकी